लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से जो सबसे ज्यादा इसका लायक होगा वही ये सेब खाएगा, सॉरी केला खाएगा। तो उसके बाद उनसे कहा जाता है कि तुम दोनों ही जाओ विश्व के चक्कर लगा के आओ। वो अपना अपने ही माता पिता के चक्कर लगाने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कुछ समय बाद जब कार्तिक वापस आते हैं तो वो रोने लगते हैं कि पिताजी ये तो अन्याय है, मैंने तो इतनी तैयारी करी थी और इतनी दूर गया, मैं थक गया और इसने तो यहीं पे आपके चक्कर लगा लिए। तो पार्वती माता भी उठती है, अपने लाडले को प्यार से सहलाती है और कहती है ये पुत्र हमारा इसलिए है स्पेशल क्योंकि इसने अपने ही माता पिता के चक्कर लगाए और इन्हीं को माना कि ये हमारा पूरा विश्व है, संसार है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आजकल के जो बच्चे नहीं करते वो माता पिता की पहले देख रेख करें, ठीक है। वो देखिए करते हैं इसलिए वो पूरा विश्व का चक्कर ना लगा करके उन्होंने अपने ही माता पिता का चक्कर लगाया और इसीलिए वो फल के अधिकारी हुए और शिव भगवान ने वो केला उठा करके अपने छोटे पुत्र को दे दिया कि गणपति ही इसके लायक है। और जैसा कि हम जानते हैं गणपति को केला बहुत पसंद है तो वो वहीं पे शुरू हो गए। और कार्तिक को थोड़ा सा बुरा लगा लेकिन उनको भी समझ में आया कि ये बात सबसे सही है। तो सब एक साथ बोलेंगे गणपति बप्पा।